नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टार्ट करते हैं आज। कोरिलेशन कोफिशिएंट के इस पहले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज आपके साथ, उनके थोड़ी सी समरी मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बाईवेरिएट डाटा, फिर उस बाईवेरिएट डाटा से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो। सबसे पहली बात कर रहे हैं यूनिवेरिएट डाटा की। सबसे पहले हम सीखें यूनिवेरिएट डाटा क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स की बात कर लूं मैं, मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए तो वो हमारे पास नंबर्स की टर्म में होंगे। मान लीजिए आउट ऑफ 50 की बात कर रहा हूं, 50 में से कितने आए? पहले स्टूडेंट के 32 आए, 37 आए, 44 आए और 50 आए, और मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, 45 है। तो ये क्या हुआ? ये केवल एक ही तो वेरिएबल है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज द यूनिवेरिएट डेटा, जिसको आप सिंपली किस तरीके से 32, 37, 44, 50, 45 कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं बाईवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब वो जिसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, उस तरह के डाटा को हम बाईवेरिएट डाटा बोला करते हैं, ठीक है। बाई का मतलब हो गया टू, यूनि का मतलब हो गया वन, यूनि का मतलब ओनली वन और बाई का मतलब टू। तो बाईवेरिएट मीन द डाटा कंटेनिंग टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड द बाई वेरिएट डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बात हम कर लेते हैं प्राइस और डिमांड की। ठीक है ना? तो प्राइस और डिमांड इस तरीके से, मान लीजिए 50 रुपए किस चीज का प्राइस और 200 आइटम्स की डिमांड, तो वो हो गया 50, 200। और आप जानते हैं कि इसमें आपके पास दो तरह की वैल्यूज हैं। पहला जो पार्ट है दैट रिप्रेजेंट द प्राइस, एंड द सेकंड वन जो कि वाई एक्सिस कहते हैं वैसे हम, तो उसको हम क्या कह रहे हैं जी, उसको हम 200 कह रहे हैं। तो दैट इज द एक्स कॉमा वाई। तो कहने का मतलब है जब इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की टर्म में आपके पास कोई डाटा होता है तो दैट टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड द बाईवेरिएट डाटा, ठीक है। अब इस बाईवेरिएट डाटा या बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम दो अलग अलग टाइप के यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें क्या, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके साथ इसी वीडियो के अगले पार्ट में ही कहीं पर ये चीजें हम डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं आज, कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सीखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर, आइए देखते हैं क्या करने जा रहे हैं आगे। मुझसे बोला गया प्रिपेयर अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, जिसे एक्स एक्सिस पर लेना है, एंड मैथमेटिक्स वाई एक्सिस पर लेना है। यानी आपके पास ये बाईवेरिएट डेटा गिवन है और इस बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने एक टेबल क्रिएट करना है और उसमें एक्स एक्सिस पर आपने मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहली जो एंट्री है वो स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, और उसी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एंट्री है जिसे वाई बोला उसने, दैट इज द
मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथमेटिक्स, इज इट फाइन? तो कहते हैं आप इसका टेबल बनाइए जी, आइए बनाते हैं इसका टेबल, आइए सीखते हैं ये टेबल बनाना। यहां देखिए मैंने ये टेबल आपके सामने क्रिएट की हुई है, इसको बनाना सिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से इस डाटा को हम इस टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहली अगर आइटम को देखें तो आपके पास 15,13 लिखा है। अब 15 जो है दैट इज द मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स एंड 13 इज द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स आपके पास ये हैं, यानी इस तरह से स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स और ये ऐसे मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो 15,13, अब देखिए ये 15 यहाँ 12 और 16 के बीच में आएगा 15, और 13 यहाँ 12 और 16 के बीच में आएगा, तो 12,16 के बीच में और ये भी 12 और 16 के बीच में, तो यहाँ पर आप एक इस तरह से एक मार्क लगा दीजिए, ठीक है, सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद आ रहा है 1,3, 1 मार्क इन स्टेटिस्टिक्स एंड 3 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो 1 0 और 4 के बीच में आएगा, और उसके बाद 3 ये भी 0 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पर भी आपने किस तरीके से एक मार्क लगा दिया। ऐसे 2, 6, 2 और 6, मैथमेटिक्स में 2 और स्टेटिस्टिक्स में 6, वो यहाँ पर आ जाएगा, हैं ये 0 और 4 के बीच में 2 आएगा और 6 4 और 8 के बीच में आएगा, तो यहाँ मैंने एक मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से इन मार्क्स को लगाते चले जाएंगे और जितने जितने यहाँ पर किसी भी आपके पास सेल के अंदर जितने मार्क लग जाएंगे फिर उनको काउंट करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, वो क्या बन जाएगी, ये हमारे पास एक बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली उनकी फ्रीक्वेंसीज आपके सामने लिख रहा हूँ और उसके बाद आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे आपके साथ, इज इट फाइन? ये देखिए जी ये टेबल हमने बना दी, फ्रीक्वेंसीज मैंने सारी के सारी यहाँ पर मार्क कर। अब अगर आपसे मैथमेटिक्स के मार्क्स की बात करें तो 0 और 4 के बीच में मैथमेटिक्स में मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स आए इनका टोटल अगर मैं यहाँ पर कर लूँ तो दैट गिव्स मी 3 हेयर, या 4, 2, 6 और 2, 8 हेयर, यहाँ पर 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14 और 1, 15, यहाँ पर 5, 2, 7, 6, 13 और 1, 14, 14 और 5, 3, 8 और 2, 10, ठीक है, इनका टोटल कर लें तो आपके पास 4, 5, 9, 9, 8, 17, 3, 20, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, 50 टोटल, ये डाटा आपके पास 50 का है। इसी तरीके से मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स इनका भी टोटल अगर मैं लूँ तो यहाँ मेरे पास 4, 1, 2, 5, 7, 7, 4, 11 और 1, 12, 6, 4, 10 और 4, 14, 14, 5, 2, 7, 3, 10 और 1, 11 है, 5, 3, 8 और 1, 9, और इनका टोटल भी 50 आना चाहिए, 4, 2, 6, 4, 10, 9, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 50, इज इट फाइन? तो ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट कर ली जो मेरे पास बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, इससे मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। और अगर आप यहाँ पर इस मार्क्स की बात करें तो 5 जो ये आपके सामने गिवन है, यानी 5 इज द फ्रीक्वेंसी, यानी 5 वो बच्चे हैं जिनके नंबर स्टेटिस्टिक्स के अंदर 4 और 8 के बीच में है और मैथमेटिक्स में 8 और 12 के बीच में है, ठीक है ना। तो ये 5 क्या हो गए, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। आइए अब इस पर कुछ और नई बातें डिस्कशन करेंगे, ये तो हमने टेबल बनानी सीखी, अब हम इस पर बेस्ड बातें करने वाले हैं वो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे बात की जाए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स तो वो कैसे निकालेंगे, और ऐसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालना सीखते हैं, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स के जो मार्क्स आपके पास हैं 0 और 4 के बीच में लेने वाले 4, 12, 14, 11, 9 और ये टोटल आपके पास 50, तो उसके लिए हमको क्या करना है, मार्क्स को लिखना है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12,
12 to 16 and 16 to 20, correct? और इसके बाद उनका frequency कह दीजिए या उनके number of students कह दीजिए, तो they are this, ये 4, 12, 14, 4, 12, 14, 11, 9, ठीक है? ये मेरे पास आ गया इनका sum 50, ठीक है? तो marginal distribution of marks in statistics वो आपके सामने ये distribution आ गया। इसी तरीके से अगर marginal distribution of marks in maths की बात भी कर ले, तो maths की भी अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या change होगा? केवल ये frequencies में change आएगा, तो same range रहेगी 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, लेकिन ये statistics के लिए frequencies आ गई। और अगर मैं यही same marks लिख करके frequencies mathematics के लिए लिखूँ, तो they will be 3, 8, 15, 14 and 10 and the sum is again 50, ठीक है? अब अगर इसी से कुछ और भी पूछ लिया जाता मुझसे कि आपसे कहा जाए find the mean of these marks in mathematics, तो mean या average या standard deviation या कुछ और भी मुझे निकालना हो, तो simple simple जिस तरीके से हम univariate data के लिए पहले से निकाला करते थे, उसी तरीके से आपको इसके लिए भी find out कर लेना होगा, ठीक है? तो ये तो मैंने marginal की बात की, तो अब अगर आपसे एक बात और पूछ ली जाए कि ये marginal distribution किसी भी bivariate data के लिए कितने निकल सकते हैं, तो आपने कहा 2 निकल सकते हैं, एक तो marks in statistics था, दूसरा marks in mathematics था, यानी अगर आपके पास ये cell कितना है, कोई भी साइज है आपके पास, तो यहां तो बाईवेरिएट डाटा है, दो ही वेरिएबल होंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी 2, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी 2, ठीक? एक बात तो ये समझ में आ गई। उसके बाद बात आनी है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल भी मैंने बोला था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, तो कंडीशनल का मतलब जिसमें किसी तरह की कंडीशन लगी हुई हो, जिसमें किसी तरह की पर्टिकुलर कंडीशन कोई लगी हुई हो, उसको हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, ठीक है? आइए प्रॉब्लम को लेकर के इसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टेट्स, मुझे स्टेट्स के मार्क्स चाहिए, लेकिन किसके चाहिए? उन बच्चों के चाहिए जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स में 8 और 12 के बीच में है, 8 और 12 के बीच में है। आइए ढूंढते हैं, ये रहा जी मेरे पास मैथमेटिक्स के मार्क्स 8 और 12 के बीच में, ठीक है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो आपके पास 2 5 4 3 1 गिवन है, और आपके पास स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स ये 2 क्या है, 0 और 4 के बीच में, 4 और 8 के बीच में, 8 और 12 के बीच में, 12 16 और 16 20 के बीच में, राइट? तो ये मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, जबकि मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो है वो 8 और 12 के बीच, ठीक बात है? तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने चूज कर लिया जिनके मैथमेटिक्स में मार्क्स इतने हो और स्टैट्स में कुछ भी हो, उन सबको लिखना था मुझे। तो अब अगर आप सोचें कि हम कितने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल से बना सकते हैं, अगर आपसे कहता कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स में 0 और 4 के बीच में, 4 8 के बीच में, 8 12 के बीच में, 12 16 के बीच में, 16 20 के बीच में, तो कितने बन गए आपके पास, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही अगर आपसे मांगने लगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन लगा दे, तो 1 2 3 4 5 यहां से बन जाएंगे, तो 5 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के, जबकि मैथमेटिक्स के मार्क्स की कंडीशन दे देगा, 5 कंडीशंस आपके पास कंडीशनल, आपके पास जब मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स की कुछ कंडीशन दे देगा आपको, तो वो आपके पास 5 इस तरह से, 5 इस तरह से, इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 + 5 दोनों को ऐड कर लो तो 10 कंडीशनल
डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास फॉर्म हो सकते हैं। इज इट फाइन? तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, आज हमने यूनिवेरिएट बाईवेरिएट डाटा उन पर बेस्ड एक टेबल, बाईवेरिएट डाटा पर बेस्ड एक टेबल हमने बनाना सीखा और उस टेबल से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालने सीखे। अब ये जो डाटा आपके पास आ जाएगा, चाहे तो यहां भी आ गया, तो इससे वो आपसे स्टेटिस्टिक्स का कुछ भी पूछ सकता है, मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी, तो सब कुछ आप इस डाटा को लेकर के फॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, करेक्ट? तो क्या करें, इतना ही रहने दें, राइट ना? तो इतना ही रहने देते हैं आज के इस वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इज इट फाइन?